हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सना पावर टिलर। तो भाइयों, आज हम आपके लिए बड़ा ही खास वीडियो लेकर आए हैं। ये VST शक्ति का 16.5 HP का पावर टिलर है। तो देखो भाइयों, आज इसके पास आया हम, इसका क्लच का प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया था, लेकिन अभी एक नया प्रॉब्लम आया। आप आवाज़ सुन सकते हो इसका कि किस तरीके से आवाज़ आ रहा है। तो इसके क्लच शाफ्ट के जो बेयरिंग होते हैं वो बेयरिंग चले गए भाई। तो अभी हम इसका बेयरिंग चेंज करेंगे। इसमें दो बेयरिंग आता है, एक का नंबर जो है कि 6305 आगे वाला है, पीछे वाला 6204 ए नंबर का बेयरिंग है। तो अभी हमने इसको खोलना स्टार्ट किया है, ओपन करना स्टार्ट किया है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से क्लच का बेयरिंग चेंज किया जाता है। तो अभी तीन स्क्रू निकाल रहे हैं हम, जो क्लच पुली के ऊपर आते हैं स्क्रू। और तीन स्क्रू निकालने के बाद में ये जो कि ऊपर वाला प्लेट एम्प्टी हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके अंदर फिर आपको तो पता है हमारे पावर टिलर भाइयों को, उसके अंदर एक क्वार्टर पिन होता है और एक चेक नट होता है, उसको भी निकालना ज़रूरी होता है। तो अभी देखिए क्वार्टर पिन निकाला जा रहा है उसका। अब भाई वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। अभी देखिए 18 नंबर का स्पैनर लिया है हमने, और इस स्पैनर से वो 18 नंबर का बोल्ट निकाला। फिर उसके अंदर एक वाइसर होता है, वो वाइसर को भी निकाल रहे हैं हम। आप देखिए पुली कितना जाम है। अगर इस पुली को अगर हम हथौड़ी से ठोक के निकालते हैं तो पुली टूट जाएगा, हमारे कस्टमर का नुकसान हो जाएगा, किसान भाई का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक जुगाड़ किया है इसको भाई, आपको दिखाते हैं वो जुगाड़ किस तरीके किया है। तो देखिए भाई, ये जुगाड़ किया है, ये हमने पुलर लिया है। ये पुलर जो मार्केट में मिलता है, मैं एक मरतबा लुधियाना गया था तो वहां से इस पुलर को लेके आया था। तो देखिए इस पुलर से भाई कितना इजीली वो ड्रम जो है कि बिगर किसी नुकसान के, हमारे पावर ड्रम भाई का कोई नुकसान न होते हुए एकदम इजीली जो है कि ये क्लच का पुली जो है कि वो बाहर आ जाएगा। इसमें 70 नंबर का स्पैनर बैठता है। देखिए जैसा जैसा हम इसको टाइट करना स्टार्ट करेंगे, वैसा वैसा जो है कि वो पुली बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से पुली बाहर आ रहा है, एकदम प्यार से मस्के जैसा पुली बाहर आता है। ये देखिए निकल गया पुली। आप 13 नंबर के तीन बोल्ट को निकालना है हमको। तो स्पैनर देख रहे हैं हम 13 नंबर का। अभी इतना बड़ा थैला लेके हमको घूमना पड़ता है, ताकि खेती के अंदर जहाँ पे भी पावर टिलर का बिगाड़ होता है वहाँ पे जाने के बाद में कोई स्पैनर का कमी ना पड़े, इसलिए पूरा स्पैनर लेके हम साथ में घूमते हैं। तो अभी ये तीन बोल्ट है, ये तीन बोल्ट हम निकाल रहे हैं 13 नंबर का, ताकि जो बेल्ट के ऊपर का कवर है वो कवर निकल जाए। क्योंकि जब तक ये बोल्ट नहीं निकालेंगे तो जो ये लिंक की नट है जिस पार्ट के अंदर क्लच हब बोलते हैं उसको, तो निकल नहीं पाएगा, इसलिए तीन बोल्ट निकाल रहे हैं हम। ये देखिए ये तीसरा बोल्ट भी अभी निकल जाएगा। ये निकल गए हमारे तीन बोल्ट। अब ये क्लच बेयरिंग भी निकला है, देखिए क्लच बेयरिंग का आवाज आ रहा होगा, क्लच बेयरिंग भी खराब हो चुका है उसका। ये पूरा क्लच का असेंबली पूरा निकल चुका है। अभी आप 10 नंबर के चार बोल्ट है पीछे बाजू में, वो कवर निकालेंगे चार बोल्ट निकाल के। तो भाइयों, आपका जो है कि मुझे इस चैनल पे बहुत प्यार मिला है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मेरा वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं और मेरे वीडियो को प्यार भी देते हैं। तो भाई मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, व्लॉगिंग का चैनल है, इसका नाम है एक्सप्लोर द विलेज। क्योंकि इस पावर ड्रिल के काम के लिए जो है कि हमको विलेज में जाना पड़ता है, तो भाई हमारे महाराष्ट्र के विलेज कैसे होते हैं यह मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ।
तो भाई उस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके उस चैनल को भाई सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जिस तरीके से इस चैनल को आपका प्यार मिलता है, उसी वो भी चैनल को मेरे आपका प्यार मिले, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। मेरे भाइयों से, मेरे किसान भाई है, मेरे पावर ट्रिलर ओनर है, तो प्लीज़ भाई मेरा वो जो एक्सप्लोर द विलेजेस इस नाम से चैनल है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके उसको भी जो है कि सब्सक्राइब कीजिए, मेरी मदद कीजिए, जिस तरह की आपने मदद किया है इस वीडियो के अंदर, मेरी इस चैनल के ऊपर मदद किया है आपने मेरी, तो उस पर मदद कीजिए भाई। तो देखिए भाई, अभी ये एलन की बोल्ट हम निकाल रहे हैं ताकि वो वाला कवर निकल जाए आगे वाला। तो तीन एलन की बोल्ट आता है, वो बोल्ट को निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बोल्ट नहीं निकलेंगे, तीन एलन की के बोल्ट है, उसको एलन की बैठता है 6 नंबर का, तब तक ये वाला आगे वाला कवर बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उस वो ये देखिए ये स्पैनर है, देखिए ये एलन की का स्पैनर हमने तैयार किया है ताकि बड़ी आसानी से जो है कि उसको ग्रिप मिल सके। जब तक ये वाला कवर नहीं निकलेगा, ये बोल्ट नहीं निकलेगा, बोल्ट निकलने के बाद में वो कवर निकलेगा, और कवर के अंदर जो है कि 6305 नंबर का बेरिंग आता है, ध्यान रखिए भाई 6305। आप उस कवर को निकालने का प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, देखिए, क्योंकि कवर बेरिंग के ऊपर जाम होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा हथौड़ी से ठोक के निकालना पड़ता है। देखो पीछे वाला तो अपने दिल से ही निकल गया, देखिए ये कवर निकल चुका है इसका। अब देखिए बेरिंग का आवाज आ रहा है, बेरिंग खराब हो चुका है ये, देखिए इसमें प्ले देखिए, आपको देखिए वीडियो कैमरा जो कि नज़दीक ले जाके आपको दिखा रहे हैं, उसमें प्ले कितना आया है। पिछले बेरिंग में नॉर्मल प्ले, लेकिन दोनों एक साथ में बदल देंगे हम, एस्केप कंपनी का बेरिंग लाए हुए हैं, दोनों एक साथ में बदल देंगे। तो अब ये सब करने के लिए क्लच शाफ्ट बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, और क्लच शाफ्ट इतनी आसानी से नहीं निकलता बाहर, आपको दिखाने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिए आप, क्योंकि उसके ऊपर क्लच का चेन चढ़ा हुआ रहता है, थोड़ी दिक्कत करता है वो निकलने के लिए। और क्लच शाफ्ट निकालते वक्त पीछे से ही निकालिए, क्योंकि आगे से नहीं निकल पाएगा वो। तो ये हमारा निकल चुका क्लच शाफ्ट, अब ये बेरिंग को हम निकालेंगे ठोक कर। ये देखो बेरिंग बड़ी आसानी से निकल चुका है, अरे ये बेरिंग तो बहुत टाइट है, इसको ज़्यादा ठोकना पड़ेगा। तो भाई इसका निकाल का काम पूरा हो चुका है, इसका जो क्लच शाफ्ट का बेरिंग गया था, वो बेरिंग हमने दोनों भी चेंज किया है इसका। तो ये पावर ट्रिलर के ये ओनर है, क्या नाम है भाई आपका? सूरज, सूरज अनिल कालवेल। सूरज अनिल कालवेल ये नाम है इनका। आपका काम सही तरीके से हो चुका है? सही हो गया है, काम अच्छे से हो गया, एक नंबर। तो भाई ये ओनर है, ये भी जो है कि संतुष्ट है मेरे काम से। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ, और नए विलेज में नए दूसरे पावर डीलर के साथ में। तो भाई बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर, और आपका प्यार इसी तरह से मुझको मिलता रहे भाई। आज का दिन जो है कि बहुत खास है, क्योंकि आज मेरे 502 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो चलो भाई, गुड बाय।